नमस्ते बच्चों, आई जे वी एन आयुषी शुक्ला डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी. सो अवर टुडे अवर टॉपिक इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अब आपने देखिए, एनालाइजिंग ऑफ एल्गोरिथम तो पढ़ा हुआ है, तो वो किस बेसिस पे एनालाइज होता है? तो वो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे एनालाइज होता है कोई भी एल्गोरिथम. सो हियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम इन इट्स लाइफ साइकिल. द स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम इज इक्वल टू द सम ऑफ द फॉलोइंग टू कंपोनेंट्स. तो कोई भी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है किसी भी एल्गोरिथम की, तो वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसने मेमोरी में स्टार्टिंग से लेके, मतलब जब आपने एल्गोरिथम को लिखना स्टार्ट किया था तब से लेके कम्प्लीटली जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता है तब तक उसने कितना मेमोरी यूज़ किया या कितना मेमोरी स्पेस में लिया अपने पूरे लाइफ साइकिल में. और ये जो है ये इस बात पे भी डिपेंड करती है. यहाँ पे जो दो कंपोनेंट्स आपको दिए हैं, सबसे पहला है अ फिक्स्ड पार्ट दैट इज अ स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर सर्टन डेटा एंड वेरिएबल्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट यूज प्रोग्राम साइज एटसेट्रा. तो ये जो होता है कि फिक्स्ड पार्ट मिलता है किसी भी एल्गोरिथम को या किसी भी जो आप एलिमेंट्स या जो वेरिएबल्स जो डेटा दे रहे हो वो उसके लिए जो है वो साइज इंडिपेंडेंट होना चाहिए स्पेस में. मतलब आप मेमोरी में उसको जो भी जगह दे रहे हैं वो उसको प्रॉपर जो भी उसका स्पेस है वो उसको मिलना चाहिए. ठीक है, तो ये कितना स्पेस ले रहा है इस बात पे डिपेंड करता है. अब वो जो स्पेस वहाँ पे लेने वाला है वो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, कुछ भी एक वेरिएबल हो सकता है, कॉन्स्टेंट हो सकता है, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, डेटा हो सकता है. ओके, द नेक्स्ट इज, सबसे पहले तो बात हो गई फिक्स्ड पार्ट की, अब बात करते हैं वेरिएबल पार्ट. इसमें क्या होता है, जो स्पेस रिक्वायर्ड होता है वेरिएबल्स के लिए उसकी साइज पे डिपेंड करता है ये कि किस कितना उसने स्पेस लिया है और क्या प्रॉब्लम की साइज क्या है. ठीक है, तो अब ये कुछ भी हो सकता है लाइक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, रिकर्शन, स्टैक स्पेस एटसेट्रा. ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज एस पी ऑफ एनी एल्गोरिथम. सो पी क्या है, पी इज एस पी इक्वल टू सी प्लस एस पी वन, वेयर सी इज द फिक्स्ड पार्ट. ठीक है, और ऐसा ही क्या है वेरिएबल पार्ट, जो वेरिएबल पार्ट है वो फिक्स्ड पार्ट है, उससे मिलके आपकी कोई भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिजाइन होती है. ठीक है, इज द वेरिएबल पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम. ओके, विच डिपेंड्स ऑन इंस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉलोइंग इज अ सिंपल एग्जाम्पल दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. अब सपोज कीजिए अपन ने एक एल्गोरिथम दिया सम का. ठीक है, उसमें सम क्या कर रहे हैं अपन, ए प्लस बी का सम कर रहे हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट हुई और उसमें डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस 10 की वैल्यू को जो है सी को असाइन कर दिया एंड देन स्टॉप कर दिया. अब देखो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं ए बी और सी, ठीक है, ये तो है, साथ ही साथ इसमें एक कॉन्स्टेंट भी है. ठीक है, सो एस पी क्या होगा, 1 प्लस 3. नाउ स्पेस डिपेंड्स ऑन डेटा types of given variable and constant type and it will be multiplied accordingly. ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये डिपेंड करता है किस किस पे, फिक्स पार्ट पर और वेरिएबल पार्ट पर, कि इसको कैसे सॉल्व करना है और इसमें आगे क्या होगा. तो ये सारे कॉन्स्टेंट किस पर डिपेंड होंगे, इन वेरिएबल्स पर डिपेंड हो जाएंगे और इसी के साथ इसकी अपन को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी. अब बात करते हैं बेटा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की. सो वॉट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम टू रन टू कम्प्लीशन. कोई भी एल्गोरिथम को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसको रन होके एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लगता है दैट इज़ नोन एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है. अब टाइम जो है वो क्या क्या चाहिए होता है, या तो सबसे पहले तो आपका न्यूमेरिकल फंक्शन चाहिए होगा टाइम के लिए, तो दैट इज़ टी एन. यहाँ पे टी एन जो है वो क्या मेजर करता है, नंबर ऑफ स्टेप्स, कि कितना स्टेप किसी भी एल्गोरिथम में है. क्योंकि क्या होता है, जब भी अपन एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं तो जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, वो उसको वन बाय वन, मतलब सिंगल सिंगल लाइन को एट अ टाइम में रीड करता है और उसको स्टेप, पूरी उन स्टेप्स को रीड करने में जो टाइम लगता है और उस पूरी स्टेप्स को एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है. ओके, तो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ 2 n bit integer टेक n स्टेप्स. तो कंटिन्यूसली द टोटल कंप्यूटेशनल टाइम इज टी एन इक्वल टू सी इंटू एन, वेयर सी इज द टाइम टेकन फॉर द एडिशन ऑफ 2 bits. एंड जो आपका एन है वो क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स.
ठीक है। सो जैसे जैसे ये ग्रो करता है, ये इसकी साइज को इंक्रीज करता जाता है। अगर आप इनपुट साइज इंक्रीज करोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो ये जो दो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये किसी भी आपकी एल्गोरिथम को एनालाइज करने में आपकी हेल्प करती है। सो दैट इज नोन एज स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।